आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 25 दिसंबर, रात के लगभग 7 बज चुके हैं और आज मेरा और अजय का प्लान बन रहा है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर बेल्डेगी नाम की एक जगह है। कुछ देर पहले हम लोग का बाइक में जाने का प्रोग्राम बना था, लेकिन ठंड की वजह से हम दोनों ने प्लान कैंसिल कर दिया, मतलब बाइक से जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और हमारी मारुति वैन में जाने का प्लान कर रहे हैं। तो वो क्रिसमस के इस अवसर पे हम लोग इन्विटेशन दिए हैं, मेरे को और अजय गुप्ता को। तो बस हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं उनके पास। किरण लकड़ा जी उनका नाम है, बहुत ही मस्त नेक दिन हिसाब है। तो चलिए चलते हैं लुढ़क की तरफ, बस उमड़ी निकालता हूँ और हम लोग चलते हैं लुढ़क बेल्डेगी। अभी क्या है कि कुछ देर पहले हम लोग का बाइक से प्लान हुआ था और वो सोच के अजय बाइक लेके आया हुआ है। यहाँ खड़े कर देना बाइक को, उसमें चलते हैं, वैन में चलते हैं, वैन में चलते हैं। तो निकल गए हैं हम लोग बेल्डेगी के लिए, गुप्ता जी भी साथ में है। बाहर इतनी जबरदस्त ठंड है, मेरे को तो लग रहा है कि भाई 10-15 डिग्री से मतलब ज्यादा नहीं होगा, इतना ज्यादा ठंड है। लेकिन मारुति के अंदर हम लोग पैक होने के बाद हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई इतना ज्यादा ठंड है। वाकई में ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ। मारुति को लग रहा है, मेरे को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, पूरा अस्थि पंजर इसका हिल रहा है, पीछे भी खटखट खटखट आवाज आ रहा है। जबकि देखा जाए तो मेरे सबसे ज्यादा काम के लायक जो गाड़ी है ना, वो यही गाड़ी है, लेकिन मैं इसी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसा ही होता है। आज करीबन मैं 10 साल बाद मारुति चला रहा हूँ, काफी मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में मुझे को। अरे एकदम बिंदास लगता है भाई, बिंदास लगता है, ऐसा लग रहा है कि मैं क्या चला रहा हूँ टाइप का लग रहा है मेरे को। एकदम मारुति वैन को जो मेंटेन करना और एक मोटरसाइकिल को मेंटेन करना बराबर है। एकदम बराबर है, इसका पार्ट्स वगैरह भी बहुत सस्ता है। मैं जब सर्विसिंग के लिए जाता हूँ ना, तो 2-2.5 हजार रुपए में पूरा मस्त फुल सर्विसिंग हो जाता है इसका। हमारा जो जशपुर जिला है, मनाली से कम नहीं है ठंड के मामले में, और अभी तो इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि सुबह सुबह जो ओस की बूंदे होती है वो भी बर्फ का रूप ले लेती है। गाड़ी का काटा देखिए, रात के समय मारुति वैन 110 120, ये हम लोग गाड़ी एकदम धीरे कर दिए और काटा अभी भी बता रहा है देखिए 80 में। तो आप लोग हैरान मत हो, ये गाड़ी का काटा खराब है। ये मुश्किल से 40 मतलब 50-60 की स्पीड में था और दिखा रहा था 100 से पार, तो वैसे ही है, थोड़ा सा ये छलावा करता है हम लोग का जो मीटर है वो। तो हम लोग बेल्डेगी पार कर चुके हैं और जिनके यहाँ हमें जाना है वो यहाँ से लगभग मुश्किल से 2 किलोमीटर और दूर होगा। समय हो चुका है 7:40 और ये मस्त आग ताप रहे हैं हमारे गांव के लोग, देखिए बस। और यहाँ से हम लोग को आगे से लेफ्ट लेना है, इसमें 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 एक नंबर लगा ले, एक नंबर लगा ले। बड़ा खतरनाक रास्ता है, नहीं लगेगा, देख के चला। तो बस पहुंच चुके हैं, ये देखिए गेट खोलने के लिए आ रहे हैं। मैं उनको फ़ोन किया हूं और एक्चुअली क्या है, गेट बंद थी और यहां से कुछ दूर बाद उनका मकान है और ये देखिए इनका बगान। इधर पे तालाब है, मछली पालन भी करते हैं और ये मस्त मस्त शोदार पौधे भी लगे हुए हैं, इधर पे फलदार वृक्ष भी लगे हुए हैं। बस कुछ सालों का और प्रोजेक्ट, उसके बाद ये जगह बिल्कुल बगीचा जैसा दिखेगा, एकदम मस्त जबरदस्त। के दिन क्रिसमस डे के दिन इन्होंने मस्त सजाया हुआ है अपने इस घर को, मकान को, सब तरफ लाइटें जगमगा रही है। यह देखिए सामने, अब मैं ठीक से हालांकि जानता नहीं हूँ कौन सा चीज क्या है क्योंकि पहली बार शामिल हो रहा हूँ, बाकी बहुत सुंदर लग रहा है। तो यह देखिए, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे, जैसे आज तो 25 दिसंबर है, 24 दिसंबर की जो नाइट होती है 12 बजे के बाद, यहाँ पे मस्त फंक्शन मनाया जाता है और हमारे यीशु मसीह जी और जो बाकी यीशु मसीह और ईसा मसीह पता नहीं, तो यह सब देखिए मारिया, मैं हालांकि मेरे को नाम ठीक से पता नहीं है लेकिन मस्त लग रहा है ना। क्या क्या है इनका, क्या कौन कौन है ये? हाँ ये जो है गौशाला में ईसा मसीह कुंवारी मरियम जो है ना, हाँ ईसा मसीह को जन्म दिए। अच्छा,
उन्हीं से संबंधित है क्या? उन्हीं से संबंधित है। नमस्ते। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे ये जो छोटे छोटे मूर्तियाँ जो रखी हुई है ना, तो ये मतलब इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि जो बीच में छोटे से बच्चा देख रहे हैं ना आप, हाँ हाँ, ये तो यीशु ख्रिस्त हैं। अच्छा। जिनका जन्म मनाया जाता है 25 तारीख के नाम से। अच्छा। हालांकि उनका असली जन्म तारीख 25 नहीं है उनके टाइम में, ऐसा आज मतलब वो बंदे का तो किसी ने शुरुआत किया। अच्छा। तो बोला कि चलो 25 तारीख ही मनाएंगे, तो वो हजारों 2000 सालों से मनता आ रहा है। अरे वाह। तो ये उनके पिताजी हैं। अच्छा। जिनका नाम जोसेफ है। अच्छा। ये मरियम उनकी माता का नाम, कुमारी मरियम। अच्छा। हाँ। तो और बाकी 3 राजा थे। अच्छा। तो 3 राजाओं को उनको एक ना निशानी मिला, निशानी किस रूप में मिला, एक सितारे के रूप में। अच्छा। आसमान में चमक रहा था। अच्छा अच्छा। तो ये थोड़ा हैरान हो गए। अच्छा। अरे चमक क्यों रहा है? तो उनसे उनको पता लगा कि नहीं तो एक यीशु क्रिस्त, यीशु नाम का बच्चा पैदा हुआ है, तो ये भेंट लेके जा रहे थे। अच्छा। ये राजा के पास जा रहे थे। अच्छा अच्छा। लेकिन उनको किसी ने, भगवान ने दिखाया कि नहीं आपको एक ईसा नाम का बच्चा पैदा हुआ है, आप उसके पास भेंट लेके जाइए। तो ये 3 राजा आते हैं उसको भेंट देने के लिए। अच्छा। तो गौशाला का मतलब ये होता है कि वो गौशाला में पैदा हुए वो। तो ये जो जगह है देखा है, गौशाला है, जैसे पैरा वगैरह जो दिख रहा है। ठीक ठीक। मेरे को जानकारी नहीं था ये। रिप्रेजेंटेशन है उसका। जी जी जी। अच्छा। गौशाला मतलब आलिशान बंगले में पैदा नहीं हुए वो। अच्छा। सेम टू सेम हमारे जो क्रिस्त भगवान है, सेम टू सेम वैसे ही हुए। क्रिस्त भगवान भी जेल में पैदा हुए थे और इसी तरह कुछ कहानी है उनका। हाँ, ये सेम सेम टू सेम और सेम मिलता जुलता है। मिलता जुलता है। तो जिनसे हम मिलने के लिए हुए ये हमारे भैया जी हैं। आपका नाम? जी जी। नाम किरण लकड़ा है और मैं बिल्डिंगी के कुरोपारा में हूँ। और आज क्रिसमस के अवसर पर मैंने अपने चुनिंदा खास मेहमानों को बुलाया है और मेरे साथ हाजिर हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जी जी जी। धन्यवाद। धन्यवाद। और आप? मैं इनका पुत्र हूँ। अरे वाह, आप इनके लड़के हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, आप ऐसे देख के ऐसा लग रहा है कि आप इनके भाई हैं। है ना? आप पहले इंसान नहीं है जो बोल रहे। और आप लोग शायद यकीन ना करें, लेकिन अभी हमारे जो भैया जी यहाँ खड़े हैं, इनको मैं क्या है, इनकी उम्र देख के भैया ही बोलता हूँ, लेकिन इनकी उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष के बीच है, जो कि देखने पर बिल्कुल महसूस नहीं होता। लगभग 40-45 साल के ही लगते हैं। आप एक बार बात विश्वास नहीं करेंगे। हाँ। तो मैं भी वही बोलूंगा। मेरे को नहीं मानते कि मैं इनका बेटा हूँ। कौन मानेगा, कैसे मानेगा? देखे ना बिल्कुल। आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ। हाँ। आप मेरी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं? मेरी उम्र कितनी होगी? आपकी होगी अभी 30। ऐसा? मैं 40 साल का। अरे अच्छा, बात बोल रहे ना कि भाई लगता था। अरे वाह, मतलब सेम कंडीशन, सेम जनरेशन उतर रहा है। 40, अब मैं 42 का हूँ। बता, तू इनसे कितना ना कितना, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, मतलब 10 साल बड़ा लग रहा है। आप लोग का कल्चर इतना अच्छा है ना, रहने का तरीका जो है ना, क्या है तेरे को एक चीज बताऊं मैं, जो लाइफ स्टाइल भी रहता है ना, इंसान के रहन सहन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है उनकी उम्र पे। बस्तर याद आया? बस्तर, बोनफायर। अच्छा, बोनफायर। हाँ, बस्तर का बोनफायर याद आ गया। वही बोल रहा हूँ, बस्तर याद कर रही पूरा। सही है, सही है। दिल्ली में लगभग लगभग जो है 10 से 15-20 साल, शायद कितने साल आप वहाँ काम कर चुके हैं दिल्ली में? 38 साल। मैं पैदा ही वहीं हुआ। अरे वाह, तो 38 साल भैया जी दिल्ली में थे और वहाँ आपका काम क्या था, एक बार बता दीजिए। मैं एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी में वहाँ पर काम करता था, एमएमटीसी लिमिटेड नाम की। हाँ। और मैंने वहाँ 38 साल नौकरी की। उसके पहले मैं पंजाब नेशनल बैंक में भी काम कर चुका हूँ और उसके पहले एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में भी काम। अरे वाह। और आखिरी में आप जैसे वहाँ रहे और यहाँ जो पहाड़ों के बीच आप रह रहे हैं, आपको क्या डिफरेंस लगा और कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है? जाहिर है, यहाँ क्रिसमस मना रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, तो सही है। ये जगह मुझे ज़्यादा पसंद आई और ठीक है, दिल्ली अपनी जगह है, मैं वहाँ का पैदाइश हूँ, तो एक लगाव तो रहेगा ही रहेगा। सही। लेकिन अगर चुनाव करना पड़े मुझे जी जी जी, तो मैं जरूर ऐसी जगह को चुनूंगा। सही बात है। और ये सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा उत्तर यही था कि एक चुनाव हो गया दिल्ली और बागबहार और हमारे मतलब बिल्डिंग के बीच में। प्रभाव पड़ता है हरियाली का और ये हमारा लाल चाय भी आ चुका है। जी जी। अरे वाह, हम लोग पहुँचे और लाल चाय मिल गया। धन्यवाद। साधारणतया जो है केक बनता है हमारे घर में। अच्छा। हमें वो सुविधा नहीं पाया इस वजह से। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है, आप कुछ भी लाके दे दीजिए, केक से कम थोड़ी ना है ये, है कि नहीं?
बहुत मस्त लगा। जी आप नहीं लेंगे? नहीं, चाय नहीं। क्यों नहीं ले रहा है चाय? तो नहीं, चाय भी ले ले भाई, लाल चाय है, वहाँ भी तो नहीं पी पाया। लेना, मैं फिर से ले लूँगा, नहीं पहले मीठा खा लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ मतलब अलाव जल रहा है करके ठंड का पता नहीं चल रहा है, नहीं तो ठंड जबरदस्त है। हम लोग बाइक से आने वाले थे अभी, फिर ये तो बाइक लेके आ भी गया था, फिर प्लान कैंसिल हुआ। हम लोग बोलते हैं कि इसका फिर मजा लेते ना, दुगुना हो जाता, फिर जाने का इच्छा नहीं करता। ये तो है, ये जो इसका जो मजा है ना अलाव का, वो बाइक में आने पर था। इसको क्या बोला था जीतु तू वहाँ? बोनफायर। बोनफायर ये गजब का चीज है, एक मजा इसका आदत अलग है। बाहर में खुले में बैठ के लगाने में इसका मजा है ना, वो अलग है। सही बात है। अरे वाह, तो भैया जी चना लेके आ गए हैं, ये आप लोग का प्रसाद है क्या? नहीं, ये प्रसाद का ही रूप है एक तो, है ना? गजब। लग रहा है तेरे को चना को ज्यादा ही पसंद आ रहा है। बहुत टेस्टी बना हुआ है ना। और हमारे भाई साहब, ये आपका नाम तो मैं पूछा नहीं, पूछ भी नहीं पाया। योगेश कुमार यादव। योगेश कुमार यादव, आपका यहाँ स्कूल भी है ना, जो आप दो तीन स्कूल चला रहे हैं स्वयं? क्या नाम से है? वृंदावन पब्लिक स्कूल लुड़ेक। ये पहला आपका पहला शुरुआत था, अभी तो बागबहार में भी आपका ब्रांच डाल दिए है। सही है। तो क्रिसमस के अवसर पर फूलगोभी सेमी की सब्जी, मस्त एकदम बिल्कुल प्योर देहाती स्टाइल में बना हुआ है। गजब का सेंट भी आ रहा है, चावल और चना है ना। और इधर भाई एकदम बिल्कुल आदर सत्कार में लगे हुए हमारे भाई साहब लोग। भाई ये दिन तो हमेशा याद रहने वाला है। अब आज जो दिन बीत रहा है ना, आप भी आइए बागबहार। हाँ। आपसे तो पहला मुलाकात है। हाँ जी, लेकिन पहले ही मुलाकात हुआ, लेकिन एकदम बिल्कुल मिले नहीं है, थोड़ी देर के लिए मिले, लेकिन एकदम फ्रेंडली हो गया लग रहा है भाई। आपका मुस्कुराहट ही मतलब आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। और अभी अभी भैया एक जीप भी लिए हैं, वो जीप लगभग 21 लाख रुपए की जीप है, उधर खड़ी है, लेकिन अंधेरे में खड़ी है, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो वही इंटरेस्ट होना चाहिए है ना। और एक बुलेट भी है, प्यारा सा बुलेट भी वहाँ खड़ा हुआ है भाई। इंटरेस्ट है तो जीवन है, कुछ नहीं है ना भाई। जिनके अंदर इच्छाएं नहीं है फिर वो इंसान जिंदा नहीं है, मैं तो बोलता हूँ। इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है, जीने को तो सब जी रहे है। तो बस हम लोग भोजनानंद लेना चालू कर ही चुके हैं, हमारे अजय भाई भी बैठ गए हैं। बहुत ही टेस्टी बना हुआ है भोजन यहाँ। दाल मस्त लग रहा है ना। बहुत ही गजब का बना हुआ है भोजन, इतना टेस्ट है कि मत पूछिए। जो टाइम जो मैं अच्छे से नहीं दे पाया हूँ, जो हम लोग अच्छे से टाइम नहीं दे पाए हैं, क्योंकि मेरे को भी कुछ अर्जेंट काम है 9:30 बजे घर पे, इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा हड़बड़ी में है निकलने के जी। जो कि 8:40-8:50 तक यहाँ से निकल जाएंगे, 9:30 बजे बागबहार में रहेंगे। तो आज के टाइम की जो हमने कटौती करी है वह फिर से पूरा किया जाएगा, बढ़िया से थोक में है ना, थोक में पूरा। और आशा है वो दिन जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा वो दिन। अब आते ही रहना है, क्योंकि आप ऐसे जगह में रहते हैं ना जो हम लोग ऑलरेडी खींच के ले आएगा। तो बस अब जाने की तैयारी। काफी अच्छा लगा, मुझे ज्यादा खुशी हुई। और मेरे को दुख हो रहा है कि मैं इतनी जल्दी जा रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ काम नहीं होता तो जरूर रुकते। काफ़ी मस्त लगा भैया के साथ, मुलाकात भी किए, काफ़ी देर टाइम एक्सपेंड भी किए, और छोड़ के जाने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, लेकिन अगला शेड्यूल बन चुका है, बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। मिलने वाले तो बस विदाई लेते हैं आज रात्रि। शुभ रात्रि आपको भी, शुभ मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर। गॉड ब्लेस। थैंक यू। हाँ बैठ भाई। चलिए ठीक है। गेट खुला तो है भाई? अच्छा, गेट खोल देना ना उधर के।